वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। एक और वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस तरह का एक हमने मॉडल क्रिएट किया है, एक तरह से ये बिगनर्स के लिए एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हमने क्रिएट किया है ताकि उनको इस तरह का एक मॉडल क्रिएट करने में आसानी हो। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि हमने यहाँ पर सॉलिडवर्क्स के सारे फीचर्स यूज किए, बेसिक फीचर्स। यहाँ पर रिब फीचर है, एक्सट्रूड बॉस बेस, एक्सट्रूड कट, और यहाँ पे होल विजार्ड में हमने होल यहाँ पे अप्लाई किए है। तो ये किस तरह से हमने क्रिएट किया है आप एंड तक ये वीडियो जरूर देखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसका सबसे पहले हम 2D ड्राइंग देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा 2D ड्राइंग है। इस एक्सरसाइज में हमने देखिए, इस ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू में हमने इसके जो रेडियस पार्ट है वो सब मेंशन किए है। फिर ये राइट व्यू है, राइट व्यू में देखिए इसके बीच के गैप और थिकनेस, और जो रिब की थिकनेस है वो यहाँ पे मेंशन की है। ये बॉटम व्यू है, इसमें सारे PCD हमने मेंशन किए। फिर यहाँ पे ये सेक्शन व्यू है, ये अंदर का जो होल है ये 40 mm है, यहाँ पे 18 mm है। फिर यहाँ पे राइट व्यू है, राइट व्यू में भी हमने सारे डायमेंशन मेंशन किए। आपको ये ड्राइंग अगर देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच। फिर यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करना है हमें। और यहाँ पे एक और सर्कल क्रिएट करना है। अब यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहां पे इसके डायमेंशन डिफाइन कर देते हैं। इसका डायमीटर है 110 mm और इसका डायमीटर है 80 mm। अब यहां से इसका डिस्टेंस 80 mm। अब हमें यहां पे लाइन क्रिएट करनी है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद यहां पे मिरर एंटिटी लाइन सिलेक्ट करनी है और मिरर इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है। फिर अननेसेसरी लाइन है जो इन्हें ट्रिम कर देना है, ट्रिम एंटिटी एक्टिवेट करनी है और यहां पे पावर ट्रिम सिलेक्ट करना है और इस तरह से ड्रैग कर देना है। और ओके करना है। फिर यहां पे फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है और इसकी हाइट रहेगी 10 mm, ब्लाइंड कंडीशन ओके। फिर यहां पे टॉप फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच। यहां पर स्केच क्रिएट करेंगे हम। यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको। हम इसका डायमेंशन 60 mm अप्लाई करेंगे। फिर फीचर में जाके एक्सट्रूड बॉस बेस एक्टिवेट करना है और यहां पे इसकी हाइट दे देनी है 55 mm। मर्ज रिजल्ट ओके। फिर यहां पे इस वाली फेस को सिलेक्ट करने के बाद स्केच, यहां पे स्केच क्रिएट करना है और यहां पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहां पे सर्कल ही क्रिएट करते हैं इस तरह से। यहां पे एक सेंटर लाइन क्रिएट कर देते हैं। अब सिंपली इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और इसका रिलेशन टेंजेंट कर देना है और ओके करना है। अब इस सर्कल का डायमीटर रहेगा 35 mm। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन वर्टिकल। अब यहां पे मिरर एंटिटी सर्कल सिलेक्ट करना है
मिरर अबाउट दिस लाइन और ओके करना है। तो इस तरह से देखिए हमने दो सर्कल यहाँ पे क्रिएट किए। अब यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। इस सर्कल का डायमीटर रहेगा 70 mm। इस सर्कल का डायमीटर रहेगा 70 mm। यहां पे लाइन क्रिएट करनी है। सेंटर लाइन यहां पे क्रिएट कर देते हैं मिरर करने के लिए। अब यहां पे इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और टेंजेंट कर देना है। फिर से इसे सिलेक्ट करेंगे सर्कल और टेंजेंट कर देना है। अब हमें यहां पे मिरर एंटिटी सिलेक्ट करनी है। इस लाइन को सिलेक्ट करना है, मिरर अबाउट इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। फिर से मिरर एंटिटी इस लाइन को सिलेक्ट करना है। इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मिरर एंटिटी इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर से यहाँ पे नीचे मिरर हो गया है। अब हमें ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसे डिलीट कर देनी है पावर ट्रिम की मदद से। तो सिंपली इस तरह से ड्रैग कर देंगे। ओके करना है। तो देखिए इस तरह से हमारा स्केच क्रिएट हो गया है यहां पे। अब फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस यहां पे अप्लाई करेंगे और इसकी हाइट रहेगी 10 mm। फिर से टॉप फेस को सिलेक्ट करना है स्केच और यहां पे सर्कल क्रिएट करेंगे। इसका डायमीटर रहेगा 58 mm। फीचर में जाके एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करेंगे और इसकी हाइट रहेगी 6 mm अपसाइड। अब यहां पे होल करना है हमें, तो यहां पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे। इसका डायमीटर रहेगा 40 mm और फीचर में जाके यहां पे एक्सट्रूड कट अप्लाई कर देना है। कंडीशन इसकी थ्रू ऑल रहेगी। ओके, इसका डायरेक्शन देखिए थ्रू ऑल हमने होल कर दिया है यहां पे। अब इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है स्केच, यहां पे स्केच क्रिएट करेंगे हम और यहां पे स्ट्रेट स्लॉट यहां पे क्रिएट करना है हमें। इस तरह से सेंटर लाइन यहां पे क्रिएट कर देते हैं। अब इसकी विड्थ रहेगी 10 mm और इसकी हाइट रहेगी 10 mm। फिर इस लाइन से इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद इसकी लेंथ रहेगी 42 mm। ओके, मिरर एंटिटी एक्टिवेट करना है और हमें इस स्लॉट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहां पे मिरर अबाउट दिस लाइन एंड ओके। तो फीचर में जाके यहां पे एक्सट्रूड कट एक्टिवेट करना है। फिर यहां पे इसका डायरेक्शन अप टू नेक्स्ट कर देना है और ओके करना है। अब इस फेस को सिलेक्ट करना है स्केच, यहां पे स्केच क्रिएट करेंगे हम
तो इसकी डिस्प्ले हम चेंज कर देते हैं थोड़ा, ताकि अंदर वाली लाइन हमें साफ दिखे। तो सबसे पहले हम सेंट्रल लाइन क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। लाइन लाइन टूल एक्टिवेट करना है हमें। यहाँ पे जैसे ही हम वापस बैक आएंगे और फिर वापस यहाँ ले जाएंगे तो देखिए आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे स्केच क्रिएट करना है हमें। फिर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट एंटिटी कर देनी है। इस लाइन को सिलेक्ट करना है, कन्वर्ट एंटिटी। अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट, अरे इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट इन दोनों का गैप रहेगा 42 mm। फिर यहां से सिंपली आपको कीबोर्ड पे शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और यहां से इसकी लेंथ रहेगी 70 mm। अब हमें क्या करना है, इस तरह से इन तीनों लाइन को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे सिमेट्रिक कर देना है। देखिए हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। तो अभी ट्रिम एंटिटी एक्टिवेट करेंगे, पावर ट्रिम, और यहाँ पे देखिए हमने सर्कल जो कन्वर्ट एंटिटी की थी उसकी एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर देनी है। फिर फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है। तो इसकी हाइट रहेगी अपसाइड में 30 mm और ओके करना है। फिर से इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहां पे एक सर्कल क्रिएट करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहां पे इसका डायमेंशन हम दे देंगे 30 mm। ओरिजिन पॉइंट से इसका डिस्टेंस रहेगा 65 mm। फिर इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर देना है और मेक रिलेशन हॉरिजॉन्टल कर देना है और फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस एक्टिवेट करना है और इसकी हाइट 4 mm अप्लाई करनी है। फेस सिलेक्ट करनी है, स्केच, और यहाँ पे सर्कल क्रिएट करना है और इसका डायमेंशन हमें अप्लाई करना है 18 mm। फीचर में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है थ्रू ऑल और ओके। फिर यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें होल क्रिएट करने हैं। तो इसके लिए हम पहले PCD यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए और इसकी साइज रहेगी
85 mm और ओके कर देना है। फेस को सिलेक्ट करना है और यहां पे होल विजार्ड में जाना है हमें। होल विजार्ड में जाने के बाद यहां पे सिंपल होल सिलेक्ट करना है। अनसीमेट्रिक ड्रिल साइज, ड्रिल साइज में यहां पे 10.5 सिलेक्ट करना है और यहां पे एंड कंडीशन अप टू नेक्स्ट कर देना है। पोजीशन, पोजीशन हम यहां पे होल यहां पे सेट कर देते हैं, बट यहां पे आपको इसका एंगल सेट करना पड़ेगा। इस तरह से, और डायमेंशन में इसका एंगल डिफाइन करना पड़ेगा 45 डिग्री और ओके कर देना है। देखिए यहां पे होल क्रिएट हो गया है। अब हमें सर इस वाले स्केच को हाइड कर देना है और यहाँ पे सर्कुलर फेस में जाना है, सॉरी सर्कुलर पैटर्न में जाना है। सर्कुलर पैटर्न में जाने के बाद यहाँ पे फीचर होल ये सिलेक्ट करना है, इक्वल स्पेसिंग, और यहाँ पे इस वाले फेस को सिलेक्ट करना है, 4 होल, नंबर ऑफ पैटर्न 4 और ओके कर देना है। देखिए इस तरह से 4 होल यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। इसी तरह इस फेस को सिलेक्ट करना है, यहाँ भी हमें सर्कल क्रिएट करना है। फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, और इसका डायमीटर 60 mm अप्लाई करना है। और एग्जिट कर देना है। फिर से फेस को सिलेक्ट करना है, होल विजार्ड में जाना है और जो हमने पिछली बार सिंपल होल सिलेक्ट किया था, अनसीमेट्रिक ड्रिल साइज 10.5 mm अप टू नेक्स्ट, ये एज इट इज वही साइज रहेगी। और यहाँ पे इस फेस को, सॉरी यहाँ पे होल को सेट कर देना है। एग्जिट करने के बाद इसका भी एंगल हमें सेट कर देना है। तो इसका भी एंगल हमें 45 डिग्री में अप्लाई करना है और ओके कर देना है। स्केच को हाइड कर देते हैं। अब हमें फिर से सर्कुलर पैटर्न में जाना है। सर्कुलर पैटर्न में जाने के बाद यहाँ पे होल, इस फीचर एंड फेस में हमें ये होल सिलेक्ट करना है। होल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस वाले सर्कुलर फेस को सिलेक्ट करना है, बट हमें यहाँ पे 4 होल नहीं चाहिए, मतलब 4 होल हम अप्लाई नहीं करेंगे, हमें 2 होल ही चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैटर्न में 2 होल सिलेक्ट करने हैं, बट ये इस तरह से इसके सामने आ गया है, गलत पोजीशन है इसकी, तो हमें एक होल यहाँ पे और एक होल यहाँ पे सेट करना है। तो इसके लिए आपको इसके जस्ट ऊपर वाला इंस्टेंस स्पेसिंग, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे 90 डिग्री अप्लाई करनी है, बट यहाँ पे रिवर्स साइड और ओके करना है। देखिए यहाँ पे हमारे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे होल सेट हो गए हैं। अब हमें बॉटम फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच, यहाँ पे स्केच क्रिएट करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करना है हमें। इसकी साइज रहेगी 65 mm और सिंपली फीचर में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है और इसकी साइज रहेगी 5 mm। यहाँ पे इसका डायरेक्शन दे देना है ब्लाइंड 5 mm और ओके करना है। अब इसके 5 mm हमने अपसाइड एक्सट्रूड कट अप्लाई किया है और फिर से यहाँ पे स्केच क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमें एक स्लॉट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे
स्लॉट हम इस तरह से स्लॉट क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस होल को सिलेक्ट करना है, सर्कल को सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन कोइंसिडेंट फिफ्टी mm विड्थ, डायमेंशन 50 mm, यहां पे अप्लाई करना है और इसकी विड्थ रहेगी 22 mm। इस तरह से हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है। अब फीचर में जाएंगे और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है और यहां पे इसकी डीप रहेगी 7.5 mm। अब हमें यहां पे दो रिप क्रिएट करनी है, एक इस तरफ और एक यहां पे। तो रिप के लिए हम क्या करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करना है स्केच और यहां पे एक कॉर्नर रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। इसका डायमेंशन हम दे देते हैं 8 mm। हमें यहां पे 8 mm की रिप क्रिएट करनी है। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहां पे हॉरिजॉन्टल कर देना है। अब यहां पे इस लाइन को और इस इन दो आर्क को सिलेक्ट करना है। रेडियस पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी कर देंगे। फिर यहाँ पे ट्रिम एंटिटी और पावर ट्रिम एक्टिवेट करेंगे और अननेसेसरी लाइन को डिलीट कर देना है। और ओके कर देना है। अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन कोइंसिडेंट। सिमेट्रिक तो देखिए इस तरह से हमने स्केच क्रिएट कर दिया है। अब सिंपली इसे एग्जिट कर देना है। अब हमें यहाँ पे देखिए कर्व वाले फीचर में जाना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन और यहाँ पे देखिए स्प्लिट लाइन एक टूल है, इसे एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद हमें सिलेक्शन करना है, तो हमें कौन सा स्प्लिट करना है, तो हमने जो रेक्टेंगल सिलेक्ट क्रिएट किया था उसे सिलेक्ट करना है और कौन सी फेस पर स्प्लिट करना है, तो हमें इस फेस पर स्प्लिट करना है और ओके। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन सिलेक्ट करके रखना है आपको और ओके कर देना है। ये देखिए यहाँ पे स्प्लिट हो गई है। अब जो हमने स्प्लिट स्केच क्रिएट किया था उसे शो कर देना है और फिर लॉफ्टेड बॉस बेस में जाना है। लॉफ्टेड बॉस बेस में जाने के बाद यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करना है और सेकंड वाला ये स्केच सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, इसे सिंपली इस तरह से ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे हमें हमारी रिप क्रिएट हो चुकी है। स्केच को हाइड कर देते हैं। अब हमें इधर इस साइड में भी इसे ऐसी रिप क्रिएट करनी है, तो फिर से हम स्केच क्रिएट करेंगे रेक्टेंगल और यहां पे इसकी हाइट रहेगी 8 mm।
इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है, कन्वर्ट एंटिटी कर देनी है, ट्रिम टूल एक्टिवेट करना है और यहाँ से इस तरह से, और इस वाले सर्कल को भी कन्वर्ट एंटिटी कर देनी है और इसे भी जो अननेसेसरी लाइन है इसे ट्रिम कर देना है और ओके कर देना है। ट्रिम एंटिटी यहाँ पे ये लाइन भी रह गई है हमें, तो यहाँ इसे भी ट्रिम कर देना है। और इस तरह से देखिए स्केच हमने क्रिएट कर दिया है। अब फिर से हम स्प्लिट लाइन में जाएंगे, स्प्लिट लाइन में हमें इस वाले स्केच को सिलेक्ट करना है और इस फेस को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे स्प्लिट हो गई है, जो हमने स्केच रेक्टेंगल क्रिएट किया था वो रेक्टेंगल यहाँ पे स्प्लिट हो गया है। अब फिर से हम इसे शो कर देते हैं, लोफ्टेड बॉस पेज में जाते हैं, फिर यहाँ पे इस वाली फेस को सिलेक्ट करेंगे और स्केच को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस ये दोनों पॉइंट नीचे है, तो ये पॉइंट इसको हिलाना नहीं है और इस पॉइंट को सिंपली इस तरह से ड्रैग कर देना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे भी रिब हमने क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पे हम फिलेट अप्लाई करेंगे, फिलेट यहाँ पे 2 mm हम अप्लाई करेंगे। तो इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है सर्कुलर फेस है उन्हें सिलेक्ट करना है, इसे सिलेक्ट करना है इस साइड में, और सिंपली ओके कर देना है। फिर यहां पे चैम्फर अप्लाई करेंगे हम, चैम्फर 1 mm इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है, फिर यहां पे इस एज को सिलेक्ट करना है और यहां पे स्लॉट के बाहर वाले एरिया को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। देखिए इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है। यहां पे इस वाली एज को भी सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। फिर से फिलेट में जाएंगे, फिलेट में जाने के बाद यहाँ पे इस वाले फेस को सिलेक्ट करना है, इस वाले एज को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब यहाँ पे हम इसका अपीयरेंस अप्लाई कर देते हैं। तो अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ पे मेटल में जाने के बाद यहाँ पे स्टील, तो स्टील में जाने के बाद यहाँ पे देखिए सैटिन फिनिश स्टेनलेस स्टील इसे सिलेक्ट करना है और देखिए इस तरह से हमारा मॉडल तैयार है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।